आपको बता दें कि अतीक अशरफ के मजद की गन की खासियत आपको बता रहे हैं हम, जहां पर तुर्की की कंपनी टिसस बनाती है पिस्तल। ये किस पिस्तल के बारे में बता रहे, एक बार में 20 राउंड फायरिंग कैपेसिटी है इस गन की। जिगाना पिस्तल कैरी करने में आसान होती है। जिगाना पिस्तौल का जो है इस्तेमाल किया गया था अतीक और अशरफ के मर्डर केस में। पिस्तौल फायरिंग के वक्त स्थिर रहती है, निशाना इससे सटीक लगता है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर जिगाना पिस्तल के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। ये पिस्तल हाथी का भी शिकार करने में सक्षम होती है। इस पिस्तौल की खासियत देख के आप समझ सकते हैं कि कितनी खतरनाक ये पिस्तौल है, जो भारत में नहीं बनती, ये तुर्की से मंगाई जाती है और ये हाथी का भी शिकार करने में माहिर है। मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला का मर्डर भी जिगाना से ही किया गया था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जिगाना पिस्तौल के बारे में, जिस तरह से हम उसकी खासियत के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। जिगाना पिस्तौल भारत में प्रतिबंधित है, भारत में ये पिस्तौल प्रतिबंधित है। सबसे बड़ा सवाल कि अपराधियों के पास ये आखिरकार कैसे पहुंची। जो पिस्तौल भारत में प्रतिबंधित है और ब्लैक मार्केट में 6 से 10 लाख रुपए में आती है, वो आखिरकार आरोपियों के पास आखिर कैसे पहुंची। और इसी पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ कफील और विवेक बने हुए। सबसे पहले कफील, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिगाना का जिक्र किया गया है, वहीं पर पहले सबसे पहले हम विवेक से बात करते हैं। विवेक, जिगाना पिस्तौल का यहाँ पर जिक्र किया गया है, ऐसी पिस्तौल जो भारत में प्रतिबंधित है और इतनी तेज उसकी मारक क्षमता है, क्या कहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं जो ये वारदात हुई है, इसके तार कहीं ना कहीं बड़े कई देशों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से अतीक के पास जो है रुपए मिले थे और हथियारों का जखीरा मिला था, तो कहीं ना कहीं इसके तार कई जगह से जुड़े हुए थे। जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया, इसकी पूरी रेकी करी जा रही थी और यहाँ पे ये जो 3 शूटर थे, ये पत्रकार बनकर जो है यहाँ पर आए हुए थे और इसकी पूरी तरह से यहाँ पर रेकी कर रहे थे कि कब यहाँ पर जो है अतीक मेडिकल के लिए जाएगा और उसके पास जाकर उसके पास से गोली मारेंगे। और इस तरह के जो हथियार है वो इनके पास कहाँ से आते हैं? बात करें जिगाना पिस्तौल की, हम जो बात कर रहे हैं, मैं आपसे इसकी खासियत के बारे में जानना चाहती हूँ। क्या खासियत है इसकी और किस तरीके से इसकी मारक क्षमता है, इसके बारे में आपसे विस्तार में जानकारी चाहिए। देखिए, इसकी बात करी जाए तो ये यहाँ पर नहीं मिलती है, ये दूसरे देशों से मंगाई जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि दूसरे देशों से यहाँ तक कैसे पहुँची। फिलहाल यहाँ के जो प्रशासन था, जो प्रशासन के लोग थे, वो क्या कर रहे थे, ऐसे शूटरों के पास इस तरह की जो पिस्तौल मिलती है, तो इन पिस्तौलों को ये यहाँ इलाहाबाद तक ले कर कैसे आए, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसकी जो मार थी, ये कहीं से भी मारी जा सकती थी, लेकिन इनको पूरी तरह से अतीक और इसके जो अशरफ को पूरी तरह से ख़त्म करना था, इसीलिए बिल्कुल बगल में खड़े होकर यहाँ पर सटा कर गोली मारी गई है। और 15 सेकंड में लगभग 20 राउंड यहाँ पर गोली मारी गई है, ताकि ये दोनों बच ना सके। जबकि अतीक का जो खौफ था, जो आतंक था, क्योंकि प्रयागराज में पूरा उसका राज्य चलता था, उसके सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन फिर भी इन तीनों लड़कों ने कहीं ना कहीं इतना बड़ा कदम उठाया और बगल में जाकर गोली मारी। तो कहीं ना कहीं जब तक प्रशासन इन तीनों लोगों से गहनता से पूछताछ नहीं करेगा और इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये आखिर 3 कहाँ से आए। जब इनके परिवार वालों से बात करने की कोशिश करी गई, तो इनके परिवार वालों ने साफ मना कर दिया कि ये तीनों बच्चे जो थे वो बचपन से ही घर से चले गए थे, मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो ये कैसे मान लिया जाए कि ये लोग इतने दिनों से कहाँ रह रहे थे, इन्होंने कहाँ ट्रेनिंग ली, कहाँ से हथियार। इसी बीच बड़ी खबर बताना चाहेंगे, विवेक आपको रोकना चाहेंगे, किसके इशारे पर अतीक अशरफ का मर्डर हुआ, कि बड़ा सवाल, अतीक अशरफ के मर्डर से आखिर कितने राज दफन है। तीनों सुपारी किलर का प्रयागराज से कोई वास्ता नहीं था, बावजूद इसके ये प्रयागराज में आते हैं और इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम दे देते हैं। तीनों को भाड़े पर मर्डर के लिए बुलाया गया था। 3 दिन पहले ईडी ने बड़े उद्योगपतियों पर छापे भी डाले थे, उद्योगपतियों और अतीक के रिश्ते का भी भंडाफोड़ हुआ था, एक ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। ऐसे में सवाल, कौन चाहता था कि अतीक हमेशा के लिए खामोश हो जाए, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कफील, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से पिछले दिनों ईडी ने खुलासे किए, जहां पर कई उद्योगपतियों के नाम आए, ये 3 बदमाश आते हैं, तुर्की में बने हुए पिस्तल जो भारत में प्रतिबंधित है, ब्लैक में 6 से 10 लाख रुपए
रुपए में ये पिस्टल आती है। ये प्रयागराज आते हैं उस पिस्टल को लेकर, अतीक की कनपट्टी पर सटाकर अतीक और अशरफ दोनों का मर्डर कर देते हैं। अपने आप में एक कई सवाल छोड़ता है, क्या कहेंगे कफी? जब ईडी ने छापेमारी की थी तो अतीक की चल अचल संपत्तियों के साथ साथ जो उनके करीबी थे उनके यहाँ भी छापेमारी की गई थी। अतीक अहमद ने आकूत संपत्ति इकट्ठा कर रखी थी अपने 40 से 50 साल के साम्राज्य में, तो अरबों की संपत्ति थी। इसके अलावा कई लोग जुड़े हुए थे, तो कहीं ना कहीं जब हत्या हुई है ये जो तीन शूटर थे ये बाहरी थे, प्रयागराज के भी नहीं थे। इन पर पहले से आपराधिक मुकदमे भी दर्ज थे और इनकी जो पिस्टल थी वो विदेशी पिस्टल थी, तुर्की मेड पिस्टल थी। इतनी आसानी से हिंदुस्तान में नहीं मिलती है, लेकिन इन शूटरों के पास ये पिस्टल थी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जो कयास लगाया जा रहा है कि एक साजिश भी हो सकती है, लेकिन पुलिस ने जो दावा किया है वो ये है कि जो शूटर थे वो क्राइम की दुनिया में अपना नाम कमाना चाहते थे, अपने आप को बड़ा बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हत्या की है। फिलहाल कई सवाल। सबसे पहले हम आपको अपने दर्शकों को बता दें कि किसके इशारे पर अतीक अशरफ का मर्डर हुआ।